शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए जवानों की कुर्बानी को याद किया गया। राष्ट्र व देशवासियों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के अमर शहीदों की याद में बुधवार को प्रातः 7 बजे साइली स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दानहा एवं दमन दीव पुलिस विभाग द्वारा शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान पिछले साल देश के विभिन्न राज्यों में सुरक्षा एवं सेवा प्रदान करने के दौरान मारे गए वीर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देकर विभाग की साख का परिचय दिया गया और शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर नम आंखों से शहीद पुलिसकर्मी की कुर्बानी को याद किया गया। विसर्जन करने की अनुमति प्रदान करें। आज हम सब शहीद दिवस के अवसर पर अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे जैसे विध्वंसकारी शक्तियां देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा देती जा रही हैं, वैसे वैसे पुलिस की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। यही मुख्य कारण है कि पिछले कई सालों से अपने कर्तव्य पालन के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। जहां हमें अपने सहयोगियों के बिछड़ने का शोक है, वहीं भारतीय पुलिस को उनके बलिदान पर गर्व है। वे हम सब के अनुकरणीय हैं। आज से 61 वर्ष पहले आज ही के दिन वर्ष 1959 में भारतीय पुलिस के दल की एक छोटी टुकड़ी लद्दाख क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा के लिए तैनात थी। वहीं एक पहाड़ी पर छुपे चीनी सैनिकों के हथियारों से लैस दस्ते ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया। देश के शत्रुओं का सामना करते हुए भारतीय पुलिस दल के 10 जवान उस मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए। तब से प्रत्येक वर्ष हम उन शहीदों को आज के दिन याद करते हैं और साथ ही देश की सेवा में प्राण न्योछावर करने वाले हर पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम सब मिलकर उन सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने पिछले वर्ष अपना कर्तव्य पालन करते हुए देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है।